हेलो एवरीवन, वेलकम टू जायके का खजाना। आज बहुत ही यूनिक और बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी डिश लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए, जो बहुत जल्द बन जाती है। इसे हम गैस पे भी बना सकते हैं, माइक्रो में भी बना सकते हैं एंड अवन पे भी बना सकते हैं, बट मैं इसे आज तवे पे बना रही हूँ गैस पर। बहुत टेस्टी डिश है और बहुत थोड़े से मसाले, बेसिक मसालों से बनती है, पर जो हमारे किचन में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी होती है। और दूसरी चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगी, क्या ये डिश जैसे कि अगर आप रोटी के साथ, नान के साथ या चटनी सलाद के साथ ऐसे भी खाना चाहे तो खा सकते हैं, ये एज अ स्टार्टर भी आप खा सकते हैं। सो देखिए, इसे बनाने के लिए चिकन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। बहुत छोटे साइज़ का चिकन लिया है, इसके मैंने एक फुल चिकन का 4 पीसेस में कटवा लिया है और इसमें बीच बीच में इस तरह से कट लगाए हैं मसाले का टेस्ट अंदर आने के लिए। ये बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह से, जब मसाले अंदर की तरफ जाते हैं और टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का लेने से टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा और तवे पे वो प्रॉपर सॉफ्ट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये मीडियम साइज़ का मैंने चिकन लिया है, तो इसे इस तरह से ही कटा लें और बहुत ज़्यादा बड़ा ना ले, नहीं तो उसमें टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। और उसके जब आप उसे गलाओगे यानी सॉफ्ट करोगे तो वो इतने अच्छे से सॉफ्ट भी नहीं होगा, बट ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं छोटे वाले चिकन, तो वो हो जाते हैं। अब इसमें मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। ब्लैक पेपर मैं यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर अरेबियन चिकन बोला है तो उसमें पेपर ज़्यादा यूज़ होता है, मैं यहाँ पर अपने चिकन के अकॉर्डिंग पेपर लिया है मैंने, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। 2 स्पून लूँगी मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये मैंने एक बड़ा बोल कर्ड लिया है, क्रीमी कर्ड है, एकदम बहुत ज़्यादा डाइट वाला कर्ड नहीं है, क्रीमी कर्ड है और बहुत लिक्विड नहीं है, सेमी है। तो इसको पूरे को हम इसमें ऐड करेंगे और सॉल्ट डाल रहे हैं हम लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग, स्वाद अनुसार। और इसको, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, तो इसमें सॉल्ट, पेपर, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा और कर्ड, और बस हम लोग इसमें रोस्टेड जो चने की दाल होती है उसका पाउडर, उसको हम लोग मिक्सी में ग्राइंड करके रखते हैं, तो जब भी इस तरह से डिश बनाते हैं तो उसमें ऐड करते हैं बाइंडिंग के लिए। और इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, ऑलिव ऑयल से टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इसका एक अलग ही फ्लेवर आता है जो बहुत ही टेस्टी होता है, और ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत इजी और बहुत टेस्टी डिश है जो मैं हमेशा बनाती हूँ, और ये बच्चों को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये स्पाइसी नहीं होती ज़्यादा। तो ये इस तरह से हम लोग मैरिनेट कर लेंगे अच्छे से, और जो हमने वो कट लगाया था चिकन में उसमें काफ़ी अच्छे से ये चला जाता है उसका मसाला, और उसका एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो इस तरह से मिक्स करेंगे इवनली, सारे मसाले एक साथ में अच्छे से लग जाएं, तो उसे काफ़ी अच्छे से लगाना है। अब हम इसको बहुत अच्छे से इवनली मिक्स करने के बाद में हाफ एन आवर या 45 मिनट के लिए इसी तरह मैरिनेट करके रख देंगे, ताकि वो मसाले बहुत अच्छे से अंदर की तरफ चले जाए, और फिर इसे बनाएंगे। पैन को मैंने पहले से ही हल्का सा ब्रशिंग किया था ऑयल से, और इसमें रेगुलर जो मेरा ऑयल है वही मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ऑलिव ऑयल को सिर्फ हम लोगों ने मैरिनेशन में यूज़ किया है, यहाँ पर मैं रेगुलर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने इस तरह से पीसेस को डाल दिया है, और ये जो ग्रीस करके रखा है, अगर आप चाहें तो नॉर्मल नॉन स्टिक का भी पैन ले सकते हैं, मैंने ग्रिल वाला लिया हुआ है, तो ये आपकी चॉइस है कम्प्लीटली। ये इस तरह से अगर हम लोग तंदूरी बनाते हैं तवे पे और उसमें उस तरह से जो उसकी लाइन आती है तो वो ग्रिल की तरह काफ़ी अच्छा दिखता है, तो इसलिए मैंने ये वाला पैन यूज़ किया है। सो इस तरह से हम लोग लेंगे और सारे मसालों को उसके ऊपर से कवर कर देंगे, कहीं कहीं मसाले पकड़ते नहीं हैं, और इसको अच्छे से कवर करके रखेंगे, अच्छे से पूरे मसाले से कवर कर लेंगे। इसे ढक देंगे, और ढक करके हम लोग इसको वन साइड में 5 to 7 मिनट अकॉर्डिंग टू चिकन कैसे है, छोटा है या बहुत बड़ा है, उसका फ्लैश कैसा है, उसके हिसाब से हमें उसे रखना है ढककर। 5 मिनट में काफ़ी अच्छे से वन साइड हो जाता है, तो हम लोग ये 5 मिनट वन साइड करके इस तरह से
बनाते हैं। एक बैच के लिए हमें 10 से 12 मिनट लगते हैं। तो इस तरह से अभी हम लोग इसको टर्न करके देख रहे हैं, और ये जो मसाले हैं जो अलग हो रहे हैं, वो मसाले अगेन आप जमा करके पूरा एक जगह सिमेट कर आप उस पर वापस से रख सकते हैं। और गैस सिम होनी चाहिए, फिर ढक दिया हमने। ये देखिए ब्रेस्ट पीस है, तो ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी थिक होता है, तो इसको थोड़ा सॉफ्ट होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, बट हो जाता है। नीड नहीं है कि हमें माइक्रो या फिर अवन में ही रखना है, हम इस तरह से भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है, और काफ़ी टेस्टी और काफ़ी जल्दी होने वाली डिश है। तो इसे ज़रूर ट्राई करें, बनाएं, इसका टेस्ट ज़रूर एक बार ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। इसका बहुत यूनिक डिश आता है, बनता है, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसका। तो ये ज़रूर खाएं, बनाएं और टेस्ट करें। ये तैयार है सर्व करने के लिए। ये देखिए काफ़ी अच्छे से हमने इसे पुदीने से गार्निश किया हुआ है। आप चटनी, सलाद या पुदीने के साथ भी खा सकते हैं, और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तंदूरी रोटी का लिंक दे दूँगी और मेरी ग्रीन चटनी का, और आप उसके साथ में खाएं और बनाएं और काफ़ी अच्छे से इसका मज़ा लें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।